गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम आनंद फ्रॉम सीबीएसई कॉम्पिटेटिव स्कूल। आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। बच्चों, आज मैं एक कोटेशन तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली जिंदगी का ना बहुत बड़ा सत्य है। अगर जिंदगी में लक्ष्य पाना है ना, अगर गोल को अचीव करना, टारगेट जो बना रखे हो उसे अचीव करना, तो इस बात पे ना बहुत फोकस करना है। समझे? क्या फोकस करना कि हमारे पास जो है ना जिंदगी में दो ही ऑप्शन होता। कितना ऑप्शन होता? दो ही ऑप्शन होता। या तो हम लोग मेहनत करके हमेशा प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ते रहें, थोड़ा ही मेहनत करें, ठीक है, नहीं रोजाना बहुत मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, रोजाना एक जैसा मेहनत करना पॉसिबल नहीं होता। कभी 15 दिन 20 दिन बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कोई बात नहीं, बट रोजाना कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एफर्ट डाल ही सकते हैं अपने करियर के लिए। तो उस एफर्ट से हम लोग प्रोग्रेस करें, ठीक है, पहली बात। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग बहाना ढूंढते रहें, एक्सक्यूज बनाते रहें नहीं काम करने के लिए, कि यार आज बहुत थक गए हैं, काम नहीं होगा, आज लॉकडाउन है, कॉपी नहीं मिला क्लासमेट वाला, पढ़ाई नहीं होगा, आज अच्छा वाला पेन नहीं मिला, पढ़ाई नहीं होगा, आज मन नहीं कर रहा, आज कुछ बाहर नूडल्स वगैरह खाने का मन था, नहीं खाए, मन नहीं लग रहा। तो मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई भी नहीं करोगे, यही तात्पर्य आता है ना मन नहीं लगना स्टूडेंट्स का, कि मतलब अभी पढ़ाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, जिंदगी में अगर कुछ बढ़िया करना है, या तुम बढ़िया करियर ऑप्शन चुनो, या कुछ बढ़िया करने का सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो, मेक इट लार्ज, तो तुम्हारे पास जिंदगी में ना हमेशा दो ऑप्शन रहेगा, ऑलवेज। ये बात तुम एकदम दिमाग पे ना एकदम प्रिंट कर लो कि हमेशा तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन रहेगा। या तो आप प्रोग्रेस करते चलो, रोजाना कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा ही करो बट रोजाना कुछ ना कुछ करते रहो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और तुम उसे यूज करके कुछ बढ़िया कर ले जाओगे। और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम कुछ करो ही मत, एक्सक्यूज बनाते रहो, बिना मतलब का एक्सक्यूज बनाओ कि मुझसे नहीं हो सकता, इस कारण से नहीं हो सकता, उस कारण से नहीं हो सकता, सिर्फ कारण गिनाओ, समझे? तो यही लाइफ का जो है ना कड़वा सत्य है, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इतना ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जितना कि और लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जो मैं समझा रहा हूँ तुम समझ रहे होगे कि इस लॉकडाउन में ना तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रोग्रेस करो या तो एक्सक्यूज बनाओ। एंड नाउ डिसीजन इज इन योर हैंड कि आप एक्सक्यूज बनाकर अपना समय निकालना चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब शायद एक्सक्यूज बना सकते हो, ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत हो रहा, नेट का प्रॉब्लम है, फिर मन नहीं लग रहा, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, ये सब कुछ भी एक्सक्यूज बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सोचो अगर इस एक्सक्यूज को साइड कर दें तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? सिर्फ प्रोग्रेस करने का मौका। और तुम्हें प्रोग्रेस करना है कि एक्सक्यूज बनाना है, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो आई होप प्रोग्रेस वाला ऑप्शन लो, बहुत आगे तक जाओगे, और ये जब तुम्हारा आदत बन जाएगा ना तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, समझे? आई होप समझ गए होगे। ये तो एक बात जो समझदारी वाली थी जो मैं समझा दिया 8th क्लास को। अब देखो दूसरी बात क्या है कि आज मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आज आप लोगों का पास होमवर्क क्या है कि मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, 2 चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड, मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ आपका रिसोर्स वाले बुक से, ठीक है। तो अब उस 2 चैप्टर को आपको क्या करना है, बढ़िया से पॉइंट आउट करके रिवाइज करना है, उस सारे कंटेंट को समझना है, ठीक है। और फिर मैं मंडे को कुछ कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ करूंगा सेंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाकर, जिसे आपको आंसर करना है। आप क्या करोगे? उसे आंसर करोगे। इस तरह से हम लोग इस 2 चैप्टर का सारा टॉपिक्स कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, और उसी साथ हम लोग 3rd चैप्टर को ही पिक कर लेंगे, या सिविक्स से कर लेंगे या हिस्ट्री से कर लेंगे, ठीक है।
ये कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे किसी भी सेक्शन से और उस चैप्टर को भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों का रोड मैप होगा आगे पढ़ने का तरीका, इस तरह हम लोग आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो इतना ही मुझे आज आप लोग से कहना था कि इस बात को समझो और जो मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसे करो और कुछ बढ़िया करने का सोचो। अपना लाइफ का एम्बिशन बनाओ कि जिंदगी में मुझे करना क्या, बड़ा होके मुझे बनना क्या है। अगर कोई सर्विस में आना है, सर्विस हो, ठीक है, तो उस सर्विस के बारे सोचिए आप लोग। या फिर आपको कुछ बिजनेसमैन बनना तो बिजनेसमैन के बारे सोचिए। या आपको प्रोफेशनल कोर्सेस में आना है किसी तरह का तो प्रोफेशनल कोर्सेस का सोचिए। बट सोचिए आपको करना क्या, क्योंकि विदाउट एम्बिशन ना नथिंग इज एजुकेशन। बिना एम्बिशन का पढ़ाई में कोई मजा नहीं है। जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा तब तक उसे पाने की इच्छा भी आप में नहीं रहेगी। और पढ़ाई है ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य को पाना, अपना जिंदगी का उद्देश्य को पाना, चाहे वो पढ़ के किसी सर्विस में आना हो या पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना हो, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए और जैसे बताया हूं मैं वैसा आप लोग पढ़ाई करो। थैंक यू। मंडे को मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय और रिवीजन करो आप लोग।